सदर प्रखंड बेगूसराय के मध्य विद्यालय बहिरवाड़ के क्वारंटाइन केंद्र का हाल बेहाल है। वहां के कार्यरत कर्मियों के मुताबिक अंचलाधिकारी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, ना मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइजर करवाया गया है, ना कोई प्रवासियों की खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बेगूसराय टुडे के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बहिरवाड़ पंचायत बनाया गया है वो वो कब से बनाया गया है? कितने तारीख से? 19 तारीख से। अभी तक यहाँ पे क्या क्या सुविधा आया? मेडिकल टीम आई है? कुछ नहीं है। मेडिकल टीम नहीं आई है? सीओ साहब आए हैं? नहीं। और यहाँ पे भोजन का व्यवस्था किया गया है? भोजन का व्यवस्था कल रात में 9 बजे कुछ सामग्री आया है। कल रात में कुछ 9 बजे सामग्री आया है। इससे पहले कैसे भोजन आप खिला रहे थे यहाँ पे प्रवासियों को? और मध्याह्न भोजन के तहत खिला रहता भोजन प्रवासी को। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं बहिरवाड़ पंचायत के, वो क्या यहाँ आए थे? मुखिया जी आए हैं। मुखिया जी आए थे। और उसके बाद क्या अभी इसमें एक बार सैनिटाइज हुआ है? नहीं, सैनिटाइज नहीं किया गया है। सैनिटाइज नहीं हुआ है? नहीं। आप ये जो मजदूर है उसको मास्क मिला है? नहीं। साबुन मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है हम लोगों कुछ नहीं मिला है लोग बस अपने स्तर से नाम लोगों को प्रसादन मिला है, कुछ संसाधन मिला है। जैसे रात हमारी कल सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब कहे क्या कि पंचायत में भोजन का व्यवस्था हमने करवा दिया है? जी नहीं, हम लोग अपने स्तर से यहाँ पर 3 दिन से ठहरा हुआ है प्रवासी, उन लोगों को हम लोग MDM के रस्सी से उन लोगों को भोजन करा रहे हैं। धन्यवाद। और हम लोगों को सीओ साहब से बात हुई, कहे कि वहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि आपके जो थे गांधी साहब वो भी साथ में थे, उनसे भी हमने कहा कि सीओ साहब बात कीजिए आप, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि का कहना था कि हम जो भी प्रवासी आ रहे हैं पंचायत में उसको हम प्रखंड भेज रहे हैं। तो हमने कहे सीओ साहब प्रखंड कौन लेके जाएगा उसको? सर यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि दिल्ली से जो प्रवासी आए हैं वो भी इसी जगह पर हैं, हमारे यहाँ जगह की भी कमी है और फिर भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ एक एक रूम में 8 से 9 प्रवासी ठहरे हुए हैं और उन लोगों को तो आप समझ ही रहे कितना डिस्टेंसिंग पालन करते होंगे वो लोग। हम लोगों को कोई राशि नहीं दी गई है, केवल क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है इस स्थान को और प्रवासी को भेज दिया गया है। जो कि नियम है प्रवासी को जो भी है उसकी दूरी होनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का। हाँ। उसके बाद यहाँ पे रोज उसका बिछावन जो होता है चादर रोज खींचना चाहिए, लॉन्ड्री में जाना चाहिए। कुछ अभी तक बिछावन दिया गया है ऐसा। और जो प्रवासी रह रहे हैं उनके लिए भोजन के लिए अलग बर्तन भी मिलता है, कुछ नहीं दिया गया। पेस्ट बर्तन सारा चीज मिलता है, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। केवल यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया, प्रवासी जो दिल्ली से भी जो आए हैं जो रेड जोन में रहने वाले हैं वो लोग भी यहाँ ठहरे हुए हैं। चलिए, इस स्कूल का क्या नाम है? मध्य विद्यालय बहिरवाड़। धन्यवाद।